Good evening, students. Welcome to Learners Academy. And today on the same day, we are at exercise number 13.4, the second last exercise of the chapter. Part 3, right? Part 3, है ना? दो parts कर चुके हैं इससे पहले. And second part में हमने आज सुबह ही यहाँ पे खत्म किया है. Seventh question में हमने खत्म किया है. And part 3, we are going to start from question number 8 onwards. ठीक है, स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9th फॉर्म अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी. बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन लगेंगे इस एक्सरसाइज में, इनके इनको होने का हक ही नहीं है, बट हैं, चलो हमारे लिए बेनिफिट है कि अगर आ जाए कोई एक आध नंबर का क्वेश्चन. 7th एंड 8th एंड 9th है ना, दोनों सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है, फटाफट से खत्म करते हैं इनको, है ना. मतलब दीज आर मोर ऑफ लाइक क्लास 10th टाइप क्वेश्चन, है ना, रेदर देन क्लास. बस थोड़ी सी नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए. ठीक है, क्या कहता है, देखो, ए रैंडम वेरिएबल एक्स एज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक एक्स नाम का कोई रैंडम वेरिएबल था. रैंडम वेरिएबल क्या होता है सब समझ पा ना, जिसकी ये वैल्यूज थी और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी ये दे रखा है. अगर ये टेबल को सच मान ली जाए तो सबसे पहले के निकालो, फिर प्रोबेबिलिटी निकालो जब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी हो, जब एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी हो, जब 0 और 3 के बीच में हो, तो प्रोबेबिलिटी. तो पहले के निकालना है, फिर 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले के निकालने की तरफ हम बढ़ते हैं. तो हमको रैंडम वेरिएबल के बारे में एक बहुत ही अच्छी सी बात पता है कि उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर समेशन पी आई इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन, where i varies from 1 to n, मतलब जितने भी हैं सारे जोड़ने आपको. फाइन, दूसरा एक चीज और सीखी थी कि सारे के सारे जो हैं pi जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगे. तो मैं इस वाली को तो काउंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसकी वजह से नहीं इसको इग्नोर कर रहा हूं, ये डिस्क्वालीफाई इसकी वजह से हुआ है. वहां प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 हो सकती है, बट x की वैल्यू 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती एज पर द रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स. उसके हिसाब से उसको हम 0 नहीं कर सकते. तो मेरी टेबल एक्चुअली स्टार्ट यहां से होनी है. कहां से? यहां से. आपको ऐसे नहीं कह सकता कि सर ये गलत हो गई टेबल. देखो, अगर यही क्वेश्चन वो पूछता कि पता करो ये सही है कि गलत है, तब तो मैं कहता है गलत है, वाकई में गलत है ना, क्योंकि जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसको आपने अस्तित्व में क्यों ले रखा है ना. ठीक है, तो अगर यस और नो, जैसे पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसमें यस और नो पूछा था कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, तो वैलिड नॉट वैलिड में कहता नॉट वैलिड. लेकिन अब पूछ सो ना रहा है कि वैलिड है कि नॉट. अब कह रहा है जैसे भी मान लो, अब अगले क्वेश्चन से आंसर्स दो. तो ठीक है, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा. एडजस्ट कैसे करेंगे, ये चीज जो है इसको निग्लेक्ट करके बाकी टेबल को रीड आउट करो. सो समेशन पी आई आपको 1 रखना है. समेशन का मतलब सब समझते हो, सबको जोड़ना होता है. ठीक है, इसको हम यूं कर देंगे सॉल्व. तो जोड़ो इम्प्लाइज के भाई समेशन पी आई समझ गए ना, सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है, के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस इस तरीके से, राइट. सो के प्लस 2 के प्लस अगेन 2 के प्लस देन व्हाट 3 के देन व्हाट के स्क्वायर then 2k square and last but not the least 7k square plus k will be equal to 1. कोई डाउट नहीं आता क्या इसका आंसर? अब जोड़ो, पहले जोड़ते हैं. हाँ, k square जोड़ो पहले. तो k square, 2k square, 7k, 10k square and count 9k. तीन और दो पांच और दो सात और एक आठ और एक ये भी तो है, पांच सात आठ, हाँ 9k. और जो 1 है उसको इधर बुला लें, इक्वल टू 0. सो इट फॉर्म्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सोल्व करके पॉसिबल वैल्यू ऑफ के आपको पता करना है. हो सकता है कोई के की वैल्यू उसमें से रिजेक्ट भी हो जाए फिर, है ना, कुछ कंडीशन के चलते हैं. चलो तो इसको सोल्व करो, स्प्लिट करो मिडिल टर्म को. 10 और 1 ही ले लेते हैं. 10 वन या 10, 10 और माइनस 1, तो माइनस 1 ले, प्लस 10 और माइनस 1, है ना. एक प्लस एक माइनस में नहीं, प्लस में 10 और माइनस में 1, यही लेना पड़ेगा. माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 10 के विल बी कॉमन और बचता है के प्लस 1. यहां से माइनस 1 कॉमन, बचता है अगेन के प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ व्हाट, के प्लस 1 अगेन कॉमन और दूसरी वैल्यू आती है 10 के माइनस 1 इक्वल टू 0. सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इज माइनस 1 और 1/10. अब टेल मी वन थिंग कि वैसे तो के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, है ना. देखो के प्रोबेबिलिटी नहीं है, के प्रोबेबिलिटी नहीं है, के तो कोई एक वैल्यू है, कोई मिसिंग पार्ट है उन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो के की वैल्यू माइनस 1 तो हो सकती है क्योंकि के प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन के की वैल्यू माइनस 1 रखने से अगर कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई फिर के की वैल्यू माइनस 1 नहीं. समझ गए सारी बात, समझ गए, ठीक है ना. अब देखो, के की वैल्यू माइनस 1 मैं इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि उसकी वजह से, उसकी वजह सब नहीं होंगे, उसकी वजह से कुछ एक
ये लोग नेगेटिव हो जाएंगे, ये लोग। अभी देखो इसकी जगह अगर माइनस वन रखता हूं तो प्लस वन, लास्ट वाला भी हो जाए। लास्ट वाला का पता नहीं है क्योंकि के की वैल्यू माइनस वन रखने से कैसे होगा बताओ, नहीं होगा, सेवन माइनस वन सिक्स होगा ना, ठीक है ना। तो कुल मिला के की वैल्यू रखने से कुछ एक भी नेगेटिव हो रहा है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। लेट अस से सपोज करो यहाँ पे कुछ भी करके या माइनस के होता, यहाँ पे माइनस के होता, तो माइनस के और माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इस तरीके की वैल्यू हमको पूरे चौकन्ना रहना है कुल मिला के, हालांकि फिर भी वो तो रिजेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वन से बड़ी भी नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे टू के में प्रोबेबिलिटी टू होगी, थ्री होगी, तो वैसे भी निग्लेक्टेड है, लेकिन आपको कारण बताना है, प्रॉपर कारण है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेयर, हेयर किसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, के इक्वल टू माइनस वन इज रिजेक्टेड, रीजन बताओ, एज इट मेक्स सम ऑफ द वैल्यूज, कुछ एक वैल्यूज है ना, सम ऑफ द वैल्यूज वैल्यूज ऑफ पी आई लेस देन जीरो है ना, ऐसे इतना ये हमने रीजन डाल दिया, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है ना। हेंस के की, हेंस द वैल्यू ऑफ के इज 1/10। तो पहले क्वेश्चन क्लियर है, अब बेस्ड ऑन दिस बचे हुए दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस का जवाब देना, कर दो उसको डिलीट, हो जाएगा इजीली ये तो, ठीक है। अब बचे हुए दो तीन क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल एक्स लेस देन थ्री, इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी तीन से कम, तो तीन से कम कौन कौन है, एक्स की वैल्यू तीन से कम, तो एक्स की वैल्यू तीन से कम टू वन, इसको तो रिजेक्ट करके बैठे हो ना, इसको तो रिजेक्ट करके बैठे हो, तो तीन से कम कौन कौन है, वन और टू। तो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन एक्स इक्वल टू वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन एक्स इक्वल टू टू, ठीक है ना। तीन से छोटी चीज तो तीन को तो काउंट कर नहीं सकते, एक्स इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, के, और वो कितनी है टू के, ये कितनी है के, और ये कितनी है टू के, दैट मीन्स थ्री के। कल तक के की वैल्यू नहीं थी, आज तो है 1/10, वो जो आपने मानी उसी को रहनी है 3/10, तो आंसर भी मैच करते चले। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन सिक्स चाहिए, तो ग्रेटर देन सिक्स में छह से बड़ी देख लो, केवल एक अकेला सात ही है ना, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू सेवन, सो सेवन के स्क्वायर प्लस के, सो इट इज लाइक सेवन इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, हाँ प्लस 1/10, सो 1/100, तो 7 × 1/100 इज 7/100, प्लस इसको 10/100 लिख दूं, सो इट इज लाइक बाय 100, मैच करो। थर्ड वन, फोर्थ वन मतलब लास्ट वन, अब x की वैल्यू 0 और 3 से बीच में होनी चाहिए, तो 0 और 3 के बीच में 1 और 2 रहेगी, 1 और 2 के पहले ही निकाल चुके हो आप, वही आंसर आ जाएगा, ये का ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना, 3/10, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लोगे ना। सेकेंड एंड फोर्थ तो सेम ही हो गए, 3 से छोटा करूं या 0 और 3 के बीच में करूं, एक ही बात है, तो इसका आंसर भी 3/10 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसी टाइप से फटाफट से खत्म करो उसको, कर दो डिलीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, आपको लगे जैसे कोई इट्स सम टाइप ऑफ फंक्शन है ना, जिसके मोर देन वन डेफिनेशंस होती थी, बट आप चाहो तो इसको भी पुरानी टेबल की तरह कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, अगर हम उसमें कंफर्टेबल है तो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू, हाँ कंटिन्यूटी, मतलब मोर देन वन डेफिनेशन वाले फंक्शंस कहते हैं। अच्छा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जीरो है अदरवाइज, अदरवाइज मतलब जब एक्स जीरो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के है, जब एक्स वन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू के है, ठीक है, जीरो वन टू के अलावा एक्स कुछ भी हो गया तो फिर प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी जीरो है तो फिर वो इस केस को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी होती, मान लो फोर के होती, तो फिर अपने को ये केस भी लेना पड़ता कि एक्स की वैल्यू जीरो वन टू के अलावा ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, समझ गए। तो अभी हाल फिलहाल जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रिजेक्ट करके और किस किस की कौन कौन से वैल्यूज लूंगा, जीरो वन एंड टू, दैट्स इट, हाँ जी हो गया ना, जीरो वन टू तीन ही तो है, ये तो हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब एक्स की वैल्यू जीरो है, वन है, टू है, प्रोबेबिलिटी है के, टू के, थ्री के। चलो जल्दी से बताओ, समेशन पी आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन शुड बी इक्वल टू वन, इम्प्लाइज के प्लस टू के प्लस थ्री के इक्वल टू वन, सो सिक्स के इक्वल टू वन, सो के की वैल्यू 1/6, दैट्स इट। अब यही पूछा था कि इसने पहला क्वेश्चन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, चलो दूसरा क्वेश्चन में इसने दो तीन क्वेश्चन लेस देन टू है ना, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लेस देन टू, तो एक्स लेस देन टू का मतलब क्या हो गया,
जीरो और वन है ना, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू वन, सो इट्स सिंपली के प्लस टू के, थ्री के, और के की वैल्यू डालो 1/6, हाँ आंसर इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट इसी में दूसरा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, तो लेस देन में अब टू खुद भी शामिल हो जाएगा, तो सारी केसेस हो गए है ना, सो इट्स बेसिकली 6k है ना, तो 6 × 1/6 = 1 है ना, ये सारे केस ही काउंट हो गए ना, तो कॉमन सेंस की बात है। एक्स व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, जीरो नहीं टू की भी शामिल होगी है ना, टू की भी शामिल होगी, तो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू टू, टू वाली शामिल हो जाएगी केवल, सो 3k, तो 3 × 1/6 = 1/2, तो मैच कर लो तीनों आंसर, फिर चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर 1/6, दूसरे में तीन आंसर्स हैं 1/2, 1 एंड अगेन 1/2, कर दूं डिलीट, ठीक है चलो। अब आ गए असली क्वेश्चंस वापस से, लेकिन अब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस ये टॉपिक्स भी होंगे, तो हम जितना कर रहे थे आज सुबह वाली क्लास में उससे ये मान के चलो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी हमको हर एक क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि आगे का भी काम कर, मतलब अराउंड 5 मिनट, किसी में 2 मिनट लग जाए, किसी में, वो फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके सो हाँ स्टार्टिंग के इजी हैं, स्टार्टिंग के इजी हैं, फिर थोड़े नीचे हल्के से फिर वापस लेंदी देती है ना। चलो तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 tosses ऑफ ए फेयर कॉइन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कितना आसान सा छोटा सा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ना। देखो फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स, दैट मीन्स एक्स को लेना है नंबर ऑफ हेड्स, एक्स को लेना है नंबर ऑफ हेड्स और उसका मीन निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है इन 3 tosses ऑफ ए फेयर कॉइन, है ना। जब एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, तो सिंपली जब अपन एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या बनता है, उससे अपने शुरुआत करनी पड़ेगी। एक मिनट शीट खोल लेते हैं क्योंकि अब थोड़ा स्पेस चाहिए होगा हमको। अच्छा देखो सैंपल स्पेस हालांकि मैं लिख देता हूं, 8 होंगे आपको पता है, बट अपन अब क्या करेंगे इन क्वेश्चंस के बाद से, अपन क्या करेंगे जिसमें पॉसिबल हो उसमें अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले कॉन्सेप्ट, इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना, भाई आप एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर मल्टीप्लाई करो, उस वाले लॉजिक से चलेंगे, ठीक है ना, जिसमें पॉसिबल हो। जिसमें पॉसिबल ही नहीं हो तो फिर आपको सबके सारे का सारा सैंपल स्पेस बनाना है और पॉइंट्स पिकअप करने हैं। जिसमें पॉसिबल नहीं है उसमें, अब किसमें नहीं होता है पॉसिबल, ऐसे ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड है ना। अब इसमें तो इंडिपेंडेंट है ना, हेड आना अपने आप में अलग चीज हो गई, टेल आना अपने आप में अलग चीज, वो उस पर डिपेंडिंग है, जैसे 3 tosses कर रहे हैं तो तीनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है समझ गए। ओके सो मैं हालांकि ये छोटी सी चीज थी, तो इसमें तो मैं सैंपल स्पेस लिख देता हूं, जिसमें पॉसिबल हो लिख ही देना चाहिए, एंड अगर मैं बाकी चीजें ना लिखूं तो चलेगा, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा ना, वो लिखे थे अपन ने सुबह वाली क्लास में सिखाया आपको ना। सो मैं सिंपली सैंपल स्पेस लिख रहा हूं ना, क्योंकि दो बचे हुए 2 classes में तो उसको कवर करें ही सही है ना। सैंपल स्पेस एस, सो 3 tosses काम को रटा रटाया पता है, एच 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 टी एच टी एच एच देन टी टी एच टी एच टी एच टी टी एंड टी 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 टी, ठीक है। और इनको कैटेगराइज करें तो कैटेगराइज भी हमने कई बार कर लिया एक ही क्वेश्चन में। देखो ये एक कैटेगरी बनेगी है ना, ये अलग कैटेगरी बनेगी, ये अलग कैटेगरी बनेगी, और ये अलग, ठीक है। तो अब हम कैटेगरी वाइज करेंगे, एक एक पॉइंट को पिक नहीं करेंगे। अच्छा एक्स क्या माना है इन्होंने, एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स, फाइन। सो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, नंबर ऑफ हेड्स 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है, 3, 2, 1, 0। सो एक्स अब या तो एक ऑप्शन है कि इसको उठाओ जैसे कर रहे थे, एक एक उठाना, फिर इसको उठाओ, फिर इसको उठाओ, फिर इसको उठाओ ना, लेकिन मैं क्या करूंगा कैटेगराइज करके करेंगे है ना। अब से सारे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कैटेगरी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में पॉसिबल होगा एक एक उठाना, अगले क्वेश्चन में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं आपके लिए एक एक उठाना ना, तो इधर से ही शुरू कर देते हैं, हाँ इधर से ही शुरू कर देते हैं अपन है ना, ताकि वो आदत से लग जाए। तो हम क्या करेंगे X, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 heads एंड 0 tails, कैटेगरी बना दी, ठीक है। सो इसकी इसमें X की वैल्यू 3 होगी,
भाई इसमें x की वैल्यू क्या होगी, अभी x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, है ना, अभी इसमें x की वैल्यू 3 हो, ठीक है। अब पहले एक बार x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी लगे तो उनके सामने निकाल देंगे, ठीक है। चलो अगली कैटेगरी क्या है, टू हेड्स एंड वन टेल, ओके। सो इसमें x की वैल्यू 2 होगी, देन x 3 वन हेड एंड टू टेल्स, इसमें 1 होगी, एंड देन 0 हेड एंड 3 टेल्स, इसमें नहीं 0 होगी ना, 0 होगी। अब चलो मैं प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, ठीक है एक मिनट को, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0। अब आपके सामने मैंने सैंपल स्पेस खोल के रखा हुआ है, तो आप काउंट करके बता रहे हो 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, बट मैंने क्या कहा, यूज डिफरेंट लॉजिक, है ना, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना है अपने को, है ना। उसके लिए, हाँ उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी 3 हेड चाहिए, तो 3 हेड का मतलब है एच एच एच, है ना, मतलब एच एच एच, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ, 1/2, तीनों इंडिपेंडेंट है ना, अगेन 1/2, अगेन 1/2, कितने टॉसेस हो रहे हैं, 3, उसमें से कितने हेड चाहिए, 3, इसको सॉल्व कर लो, 1/8 आएगा, और उधर से पिक कर रहे हैं तो भी 1/8 आ रहा है, समझ गया ना, उधर से पिक कर रहे हैं तो भी 1/8 आ रहा है, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो भी 1/8 आ रहा है। ये मेथड कब काम करेगा, जब सैंपल स्पेस बड़ा हो, अल्टीमेटली इसका सहारा लेना ही पड़ेगा, तो छोटे में ही सहारा लेना, ठीक है, हम अपने आप को सैंपल स्पेस पे क्यों बांधे, हाँ जिसमें डिपेंडेंट इवेंट है उसमें तो बांधना ही पड़ेगा, जैसे है अभी एक दो क्वेश्चन जिसमें तो आप इसका सहारा ले ही नहीं सकते, ओके समझ आया, सो इट्स का आंसर समझ गया ना, 1/8। चलो जी, अब दो हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 × 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है, है ना, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 सब में होगा, केवल ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, 3c2, क्या होता है 3c2 बोलो, 3, सो 1/8 × 3 3/8, समझे, अगेन इसमें 1/2 × 1/2 × 1/2 होगा ही होगा, जो एक हेड की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दो टेल की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 × 1/2, ठीक है ना, 3c1, अगेन 3c1 भी 3 ही होता है, तो 3/8, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1/2 × 1/2, 3c0 अगेन 1 होता है ना, 2 × 1/2 × 1/2 × 3c0, इट इज अगेन व्हाट, इक्वल टू 1/8। मुझे एक चीज बताओ, इस तरीके से करने में कोई प्रॉब्लम आई, इस तरीके से मुझे सैंपल स्पेस को देखने की जरूरत ही नहीं, हाँ कुछ चीजें छोड़ दी अपन ने, इसमें अपने को क्या लिखना पड़ेगा, जब भी अपन ये लॉजिक यूज करेंगे तो अपने को लिखना पड़ेगा, लेट द इवेंट, हाँ एच और टी को इवेंट मान के, और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लिखनी पड़ेगी 1/2, हालांकि दोनों की सेम है 1/2 1/2, लेकिन हमको फिर भी लिखनी पड़ेगी, समझ गए क्या, लेट द इवेंट एच बी हेड अकर्स, लेट द इवेंट टी बी टेल अकर्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/3, 3c2 एंड 3c1, 3c1 इट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 1, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप, 3 × 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, तो कट के 3 आए, ठीक है, ओके, ऑलवेज याद रखना एन सी एन माइनस वन, नहीं एन सी एन माइनस वन, 4 4 - 3, हाँ ठीक है, एन सी एन माइनस वन हमेशा क्या होता है, एन होता है, ठीक है डन, और एन सी एन सी वन भी हमेशा एन होता है, एन सी वन नीचे 1 हो तो हमेशा एन आएगा, और नीचे इससे 1 कम हो तो भी एन आएगा, और ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, एन सी 0 और एन सी एन 1 होगा, ठीक है डन। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन का अभी तो मीन वगैरह निकालना है, अभी तो पूरी चीज बाकी है। चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, बेस्ड ऑन दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं, बनाए, ओके, कितने कॉलम बनेंगे, वहां पे कितने केसेस हैं, 1 2 3 4, और एक हेडिंग 5, 5 और एक सम के लिए भी चाहिए, क्योंकि अब हम आगे का काम भी करने वाले हैं, तो 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6, ठीक है, एक और बना। अब देखो कैलकुलेशन अगर इजी है तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों के तीनों टेबल के अंदर ही सॉल्व होकर निकल के आ जाएंगे, है ना, उसके अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, और कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है तो फिर अलग से सॉल्व करेंगे, मैं दोनों करके बता देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x की वैल्यूज क्या क्या थी, स्टार्टिंग 3 से करी थी हमने, 3 2 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल, है ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या आई थी, 1/8,
3/8, 3/8 और 1/8, फाइन, ठीक है, समझ आया। क्या करते हैं नेक्स्ट कॉलम, बोलो, मीन का फॉर्मूला याद है? नाउ नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसको मीन कहते हैं अपन, इज गिवन बाय द फॉर्मूला समेशन एक्स आई पी आई, दैट्स इट, है ना, वेयर आई रेंजेस फ्रॉम 1 to n, ठीक है, यानी कि हर एक आइटम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस, अब देखो ये छोटी सी चीज है, तो चाहो तो आप इधर भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, 3 × 1/8 करना है प्लस 2 × 3/8 करना है प्लस 1 × 3/8 करना है और लास्ट में 0 × 1/8 करना है, फाइन। सो इट इज लाइक 3/8 + 6/8 + 3/8 + 0, सो 6 और 6 12, 12/8, 12/8 इज 3/2, आंसर आ चुका है। ये तो हो गया एक्सप्लोर तरीका, और अगर अपन टेबल में करें तो कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे कॉलम बना देंगे एक्स आई पी आई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3/8, देन 6/8, देन 3/8 एंड देन 0, और इन सबका सम क्या आ जाएगा, वही 12/8, ठीक है, ये वाला कॉलम हमारा टोटल का था, ठीक है। अच्छा, किसी को हॉरिजॉन्टल टेबल नहीं समझ आती, वर्टिकल जैसे क्लास टेंथ में करते थे, उसको ऐसे घुमा दो और वर्टिकल भी बना सकते हैं, इधर एक्स, इधर पी एक्स, उधर जैसे अपन एफ आई एक्स आई कॉलम बनाते थे मीन निकालने के लिए, अभी मीन प्रोबेबिलिटी का मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई की जगह पी आई एक्स आई कॉलम बनाते, फ्रीक्वेंसी की जगह प्रोबेबिलिटी आ रहा है, समझ गए। और डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता था, इधर भी होगा, लेकिन वो 1 है, तो 1 से डिवाइड करके कोई फर्क भाई, इसका आंसर तो 1 है ना। देखो देखो, जब अपन क्लास टेंथ में करते थे तो ये होता था कि इसके कॉलम को इसके कॉलम से डिवाइड करते थे, अभी भी कर रहे हैं, बट उसका आंसर हमेशा 1 है, तो वो इनडायरेक्टली नहीं कर रहे, ठीक है, समझ आया, आंसर मैच हो गया, बोलो, ठीक है। तो एवरेज एंड डेड हेड आएगा, 3 बार टॉस करेंगे अगर फेयर डाई है, ठीक है, समझ में आ गई ना बात, क्लियर, ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ आएगा ना, चिंता क्यों करते हो, वो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अभी तो सारे इंडिपेंडेंट है, करीब 2-3 क्वेश्चंस, तो 11th वाला इंडिपेंडेंट है, देखो 11th करना है ना भी हमको। 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 dice को फेंका हमने, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ सिक्सेस, अब 2 dice फेंक रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो इसमें भी अपन उसी से चलेंगे, इस वाले लॉजिक से, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो इजी, सेम टू सेम, पुराना ही एक्सपेरिमेंट दे दिया, सब कुछ वैसा ही है, बस पिछली बार एक्सपेक्टेशन नहीं निकलवाई थी, अभी एक्सपेक्टेशन निकलवा रहा है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में लिखूं या नहीं लिखूं, रहने दो, छोड़ो, सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे हम, हम कितनी बार फेंक रहे हैं डाइस को, 2 बार, तो 2 बार फेंकेंगे, तो 2 बार, दोनों बार फेंकना क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और नंबर ऑफ सिक्सेस चाहिए उसको, तो हम पूरे एक बार जब डाइस को फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है ना भाई, जब हम एक बार डाइस को फेंकते हैं तो ये होता है हमारे साथ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये होता है जब हम एक बार डाइस को फेंकते हैं, लेकिन हमको, हम किस में इंटरेस्टेड है, 6 लाने में हम इंटरेस्टेड है, तो हम क्या कह देते हैं, 6 का आना इज लाइक सक्सेस एंड बाकी कुछ भी लाना इज लाइक फेलियर, सो दीज 5 आर कैटेगराइज्ड अंडर द इवेंट एफ एंड दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर द इवेंट एस, सो लेट द इवेंट्स एफ एंड एस बी, लेट द इवेंट्स S and F B, S 6 occurs and F 6 doesn't occurs, fine, any other number occurs, कुछ भी लिख सकते हैं, 6 does not occur, तो जैसे ये लिखा लगे हाथ इनकी probability 1/6 and probability of S is 1/6 and probability of F is 5/6, यहां तक क्लियर है। चलो अब करते हैं x की बात, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक नहीं 2 है, है ना, तो x के ओर डिनोट कराता हूं मैं यहां पे, x है नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 tosses ऑफ ए डाई, इन 2 tosses ऑफ ए डाई। अच्छा एक ही टॉस होता, अच्छा पहले तो इसमें बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, है ना, ये तो अब आप x की वैल्यू, तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते आपके माइंड में आ जानी चाहिए x ये होगा, अगर इतनी जितनी जल्दी ये नहीं आएगा उतनी जल्दी आगे की चीजें नहीं आ पाएंगी, है ना, ठीक है। अच्छा एक बार ही फेंके तो 0 और 1, या तो एक बार 6 आएगा, बस वही सेम चीज है, हार या जीत, उसमें x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 होती है, या तो 6 आएगा या नहीं आएगा, आ गया तो 1 सक्सेस,
नहीं आया तो जीरो सक्सेस, ठीक है ओके। नंबर ऑफ सिक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई, यहां तक क्लियर है? नाउ व्हाट? नाउ अब इसके हिसाब से हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो हम 36 को नहीं देखने वाले, हम 36 को नहीं देखने वाले, हम क्या करेंगे एक्स। अब जब हम दो बार डाइस को फेंक रहे हैं तो टू सिक्सेस आने के चांसेस हैं, मतलब टू एस एंड जीरो एफ, ऐसे लिख दूं मैं इसको, दो तो सक्सेस एंड जीरो फेलियर, समझ गए? इसमें एक्स की वैल्यू टू मानेंगे हम, ठीक है। एक्स एक सक्सेस और एक फेलियर, फाइन। इसमें एक्स की वैल्यू वन मानेंगे हम, और एक्स व्हेन एक भी सक्सेस नहीं है एंड दो फेलियर है, इसमें एक्स की वैल्यू हम जीरो मानेंगे। इमेजिन करो 36 को हमने तीन में खत्म कर दिया, 36 चीजों को हमने किस में खत्म कर दिया, तीन कैटेगरी में खत्म कर दिया। वो किसी कारण कर पाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट होते तो नहीं कर पाते। फिर आपको एक एक पॉइंट पिक करना होता, अगले ही क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है ना? हर एक से डील करना आना चाहिए, फाइन, समझ आया? ओके नाउ व्हाट? ये एक्स की वैल्यू तो हमने सर पढ़ते ही बता दी थी, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? बस अभी पुराने लॉजिक से, अभी देखो यूं खत्म करते हैं प्रोबेबिलिटी का काम। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू टू, अब आपको दोनों सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6 इंटू 1/6, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर आप कंफ्यूज हो, दोनों सक्सेस चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी, और इंटू इंटू दो बार आप फेंक रहे हो और सक्सेस आपको दोनों ही चाहिए, तो 2c2, समझ गए? चलो तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1, सो इट इज 1/36। और आप सोचो 36 में से एक ही कैसे कि दो दो सिक्स आएंगे, 6,6, समझ गए? आ जाओ, इमेजिन करो क्लास 10th में ऐसे लॉजिक समझा देते तो कितना फायदा हो जाता, लेकिन अलाउड नहीं था समझाना, है ना? वो भेद खोलना वहां पे अलाउड नहीं था, वो 36 पे बच्चों की तरह एक एक ही पिक करवाना पड़ रहा था, है ना? चलो आ जाओ, प्रोबेबिलिटी अब एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब सर ये है, आप एक सक्सेस है और एक फेलियर है, लेकिन वो कहाँ कहाँ है, वो कैसे कैसे शफल्ड है पता नहीं है, तो वो केसेस कितने होंगे? 2c1 केसेस होंगे, दो केसेस होंगे, है ना भाई? एक या तो पहले सक्सेस बाद में फेलियर, या फिर पहले फेलियर बाद में सक्सेस, ठीक है? सो सक्सेस की क्या है संभावना? 1/6, 5/6 इंटू टू, 2c1 is 2, एनीथिंग c1 is equals to दैट वैल्यू, है ना? तो 5 2 10/36, अब आप सोच लेना 36 में से 10 केस आपको मिल जाएंगे, जिसमें क्या होगा, एक तो 6 से कम होगा नंबर और एक 6 से ज्यादा होगा, एक सॉरी एक तो 6 होगा और एक नॉन 6 होगा, समझ गए? एक 6 होगा और एक नॉन 6, कौन कौन से है देखो, 6,1, 6,2, और फिर ऐसे, और एक कॉमन आ गया तो उसको हटा दो, तो 6 और 6 12, 10 कैसे हुए फिर? अच्छा 6,6 तो ऊपर चला गया, 6,6 तो ऊपर चला गया, ठीक है ना? तो 5 और 5 10 हो गए, ठीक है? नेक्स्ट, ये लास्ट वाला, और इसमें बचे हुए सारे आने वाले हैं। एक्स इक्वल टू 0 यानी कि फेलियर, अगेन फेलियर, ठीक है? एंड 2c0, फेलियर अगेन फेलियर एंड देन 2c0, समझ आ रहा है? थोड़ा कंजेस्टेड सा हो रहा है यहाँ पे आपको, बिल्कुल अच्छे। आप ये मैं आपके आपको समझाने के लिए, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना, आप अलग से लिखना, एक्स की वैल्यू निकालने का प्रोसेस अलग करना, प्रोबेबिलिटीज निकालने का प्रोसेस अलग करना, समझ गए? तो इट इज लाइक फेलियर की प्रोबेबिलिटी इंटू 1, सो इट इज लाइक 25/36, ठीक है? तो बन गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बनाओ। कहाँ पे जाना है आपने? तो सुबह का कहीं नहीं जाना, अच्छा चलो जाओ फिर। हाँ तो 0 1 2, अभी भी आपके ट्यूशन चल रहे हैं, कोर्स खत्म नहीं हुए क्या? और हो गए, जाओ, ऑल द बेस्ट। 2 1 0 हेडिंग एंड टोटल, तो 5 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 4 5, और अभी अपन देखो टेबल में खत्म करेंगे आपकी बारे से, है ना? वैसे आपके एनसीईआरटी में सारे जो उसने टेबल्स बनाई है ना इस चैप्टर में, वैसे हॉरिजॉन्टल बनाई, आप चाहो तो कंफर्टेबल लेवल फील करने के लिए वर्टिकल बना सकते हो, है ना? एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो हमको किस कॉलम की जरूरत पड़ेगी, एक्स आई पी आई की। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज थी? स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? स्टार्टिंग 2 से करी थी हमने, 2 1 0, और ये टोटल, ठीक है? प्रोबेबिलिटीज क्या क्या निकली थी?
1/36, 10/36 एंड अच्छा आगे बढ़ने से पहले टोटल करके देख लेना एक्सपेक्टेशन या कुछ भी निकालने के लिए। 36/36 आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या क्या थी बताना एक बार। 1/36, 5/36, 10 था क्या, 10/36, हाँ, और क्या 25/36। इसका टोटल 1 आएगा ही आएगा, हमेशा सोचने की जरूरत ही नहीं। इधर करो मल्टीप्लाई, सो इट इज लाइक 2/36, देन 10/36 एंड देन 0। सो 2 × 10, 12/36, 12/36 यानी कि 1/3। आंसर मैच कर लेना, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगी समेशन एक्स आई पी आई वाले एक्स आई पी आई के कॉलम का सम, यानी कि 12/36 यानी कि 1/3। ठीक है, समझ आ गया, अभी तक कोई डाउट नहीं, चलो कर दूं डिलीट। चलो तो होपफुली अब अगला वाला जो क्वेश्चन है वो डिपेंडेंट इवेंट्स का है, ठीक है ना। तो उसमें रुकना चाहिए था उसको, आ गया ना विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ओके। टू नंबर्स आर, करें रीड आउट करें, चलो। टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल क्वेश्चन कितने बताए आपने, 15। हाँ तो ये क्वेश्चन कर लें, उसके बाद बाकी हो सकते हैं ना कल, 13, 14, 15, 16। हाँ तो ये वाला एक और कर लेते हैं, ठीक है, बाकी कल सुबह दे। हाँ सॉरी, तो 13, 14, 15, हाँ ठीक है। टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, दो नंबर्स को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया विथआउट रिप्लेसमेंट, कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कहाँ से सेलेक्ट किया। तो पहले छह पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 4, 5 है, नेचुरल नंबर चाहिए उसको, है ना। उसमें से दो नंबर्स आपने सेलेक्ट किए विथआउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे मान लो कि दो अलग अलग लोगों ने किए, तो दो अलग अलग लोगों ने किए, तो जिसने लिया उसने अपना रख लिया, तो रिप्लेस हुआ नहीं। जैसे एक तनिष ने उठाया और एक खुशी ने उठाया, तो तनिष ने जो अपना उठाया वो खुशी को नहीं दिया, खुशी ने जो अपना उठाया तनिष को नहीं दिया, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो गया ना। ऐसे मान लिया करो विदाउट रिप्लेसमेंट, हमेशा मान लिया करो दो लोग उठा रहे, और विद रिप्लेसमेंट का मान लिया करो एक ही उठा रहा है, बाप पर डाल रहा है फिर उठा रहा है, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है उस स्टोरी के अंदर घुसने का, ठीक है। अब एक्स क्या है, एक्स है लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, आपने भी उठाया उसने भी उठाया, दोनों में से जो बड़ा है वो एक्स है। आप दोनों ने उठाया है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से आपने दोनों ने एक एक नंबर उठाया, तो जो उसमें से बड़ा है वो एक्स है। तो पहला टास्क ये है कि एक्स क्या क्या हो सकता है, फिर अगला टास्क उसकी प्रॉब्लम, एक्स क्या क्या हो सकता है सोचो। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यस। वन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है सर, वन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नंबर उठाओ वन तो हमेशा छोटा ही रहेगा, और आपने वन उठा लिया तो दूसरी वो खुशी वन नहीं उठा सकती, वन नहीं उठा सकती विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वो बड़ा ही उठाएगी। तो यानी एक्स की वैल्यू वन कभी नहीं हो सकती, लेकिन एक्स की वैल्यू टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, सिक्स हो। अच्छा ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपने टू उठा लिया तो अब टू आने के एक्स का टू आने के चांसेस खत्म हो गए। अब एक्स के आने के चांसेस क्या क्या हैं, 3, 4, 5, 6। अगर आपने 5 उठा लिया तो एक्स के निकलने के चांसेस हैं 6 या फिर 5, खुद कुछ भी हो सकता है ना। तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। चलो मुझे बताओ सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। भाई आपने एक उठाया, एक्स ने एक उठाया, ऐसे करके वो बनेंगे पेयर बनेंगे, जैसे 1, 1, 2 को ऐसे बनाते थे अपन, तो वहां तो 36 बनते थे जब डाई होता था, यहाँ पे कितने बनेंगे नंबर, यहां पे भी 6 है। तो फिर कितने बनेंगे, आपके सामने 6 नंबर्स हैं, आप उसमें से एक नंबर चूज कर रहे हो, तो आपके पास कितने ऑप्शन है चूज करने के, 6। खुशी के पास कितने हैं, 5 है ना, 6 क्यों, आपने एक उठा लिया तो 6 × 5 = 30। वैसे कैसे देखते थे 6 × 6, क्योंकि दोनों के पास बराबर होते थे, तो 6 × 6 क्या हो जाता था, 36। अभी क्या है, 6 × 5 यानी कि 30, ठीक है। और ऐसे नहीं समझ में आए तो 6P2 क्या होता है चेक करो, 6P2, 6 × 4 आ जाता है ना 30, है करके देख लो, 6 × 5 = 30 होता है, ठीक है।
परमुटेशन का केस होता है कि आप कितने ऑप्शन से पिक कर सकते हो, वो कितने ऑप्शन से पिक कर सकती है। ठीक है ना, डन, समझ में आया। सबसे पहले तो आपको ये माइंडसेट करना है एक्स क्या क्या हो सकता है, और एक्स जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास सामने सैंपल स्पेस कितना बना है, 30 आउटकम्स का सैंपल स्पेस है। सबसे पहले मैं 30 आउटकम्स का सैंपल स्पेस बनाने वाला हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का हथियार भी नहीं है। एक एक को उठाना है, 30 के 30 पे आपको रिसर्च वर्क करना है। शुरू करें। ओके, सो लेट्स सी द सैंपल स्पेस। हाँ, ये तो और बड़ा आएगा ही आएगा, बाकी चांसेस कम होते हैं पता है ऐसे क्वेश्चंस के आने के, मतलब ये मेहनत मजदूरी के क्वेश्चंस आजकल नहीं आते है ना, वो ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे देता है, स्मार्ट वर्क वाले। हाँ ठीक है, चलो। तो सबसे पहले लेट से आपने वन उठाया, तो अगला टू उठा सकता है, थ्री उठा सकता है, फोर उठा सकता है, फाइव उठा सकता है, और सिक्स उठा सकता है। इसके अलावा कोई चांस है नहीं, राइट? ठीक है बेटा, लेट से आपने टू उठाया था, तो अब अगला वन उठा सकता है, क्यों, वन भी तो उठा सकता है, वन भी तो अवेलेबल है, टू अवेलेबल नहीं है बस। थ्री उठा सकता है, फोर उठा सकता है, फाइव एंड देन सिक्स भी उठा ही सकता है। फिर थ्री के साथ थ्री कॉमा थ्री छोड़ दो, बाकी सब है ना, थ्री कॉमा टू, देन थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फाइव एंड थ्री कॉमा सिक्स। आ जाओ फोर पे, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर रह जाएगा, फोर फाइव एंड देन फोर सिक्स। ठीक है, देन फाइव के बाद आ जाओ, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर एंड फाइव सिक्स। और लास्ट रो, अगर आपने सिक्स ही उठा लिया तो सिक्स कॉमा वन, सिक्स कॉमा टू, सिक्स कॉमा थ्री एंड सिक्स कॉमा सिक्स। तो हाँ सॉरी, सिक्स कॉमा फाइव, डबलेट तो बनेंगे ही नहीं, मतलब सिंपल सी बात है। वो जो दो बार हम टॉस करते थे ना कॉइन को, उसमें से सारे डबलेट हटा दूं तो सैंपल स्पेस जो बच गया वो ही रहेगा, है ना। ठीक है, अब ये तो सर, ये तो आउटकम्स हो सकते हैं जो दो लोग एक से लेकर छह में से अलग अलग नंबर पिक करें, तो पॉसिबल आउटकम्स तो ये हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब हर एक आउटकम में एक्स की अलग अलग वैल्यू है, हर एक आउटकम पे एक्स की एक वैल्यू है, अलग अलग है, सेम सेम भी हो सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू, यूनिक वैल्यू, यूनिक नहीं कह सकते, मतलब एक वैल्यू है, हर एक आउटकम एक वैल्यू देता है एक्स की। फॉर एग्जांपल ये वाला आउटकम एक्स की क्या वैल्यू देगा, फोर, दोनों में से बड़ा, फोर और थ्री में से बड़ा कौन है, फोर। ये वाला आउटकम एक्स की क्या वैल्यू देगा, सिक्स। ये वाला एक्स की क्या वैल्यू देगा, फाइव। ये वाला क्या देगा, सिक्स। ये वाला क्या देगा, थ्री। ये वाला क्या देगा, सिक्स। ये वाला क्या देगा, फोर, समझ रहे हो। ये वाला क्या देगा, अगेन फोर, समझ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्स की आपने पता लगाया वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, टू थ्री फोर फाइव, तो आपको कैटेगराइज करना है कि एक्स की वैल्यू टू कब कब हो रही है, उसको एक लाइन में लिखना है, थ्री कब कब हो रही है, फोर कब कब हो रही है, और फाइव कब कब हो रही है, और सिक्स कब कब हो रही है, और ऐसे करके थर्टी के थर्टी केसेस आपको। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले एक्स की वैल्यू टू कब कब हो रही है इसका पता लगाते हैं, है ना। ठीक है, तो मैं एक्स को डिफाइन करता हूं, लार्जर ऑफ द टू नंबर, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, ये तो कोई एक्स की डेफिनेशन। सो एक्स कैन बी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब एक एक को अपने को उनमें से, भाई दो में कौन कौन से मिले, तीन को कौन कौन से मिले, चार को कौन कौन से मिले, राइट। चलिए, तो नाउ x बताओ कब कब टू देगा, सबसे पहले आ जाओ, वन कॉमा टू पे देगा और टू कॉमा वन पे देगा, दो में ही देगा। हाँ, सो x, अब देखो अपन कैसे लिखेंगे, इसमें दो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो भी ब्रैकेट के अंदर ही है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, वन कॉमा टू, ठीक है, एंड टू कॉमा वन, और चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे अपन पहले सुबह कर रहे थे, कैसे, x ऐसे करके वन कॉमा टू इक्वल टू एक्स टू कॉमा वन, और दोनों दोनों के केस में एक्स का आंसर टू है। वैसे करेक्ट तरीका यही है ना, आप सोच याद रखना भाई, एग्जाम में इसी तरीके पे चले। अभी अपन थोड़ी सी स्पेस बचाने के लिए लिख देते हैं, और थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो टू का काम खत्म। अब थ्री कब कब आएगा वो सोचना है आपको, ठीक है। सो सीक्वेंस में चलना याद रखना ना, सैंपल स्पेस आप सामने खोल के रखना है ना। सो पहली रो में आएगा वन कॉमा थ्री पे आएगा,
पहली रो में 2.3 पे भी आएगा, रो वाइज चलो 3 चाहिए ना इसका आंसर, बस अब नहीं आएगा। अब सेकंड रो पे जाओ ना, सेकंड रो पे 3.1 पे आएगा, नहीं 3.1 पे आएगा यस, और 3.2 पे आएगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा एक्स की वैल्यू 3 कभी नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं। और आप एक काम ये भी कर सकते हो, एक पेंसिल उठा के, ये तो एक्स की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो बड़े ध्यान से फूक फूक के कदम, ये जो एक्स की वैल्यूज, ये कैसे मैं पिक कर रहा हूँ, अब ये कैसे से पता लगाएंगे प्रोबेबिलिटी। अब जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/30, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/30, तो और कोई के मेरे पास तरीका है ही नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स लगा ही नहीं सकता मैं इस पे, है ना, ठीक है ना। चलिए और अपन एक काम और कर सकते हैं कि जैसे एक पेंसिल ले लें, जो जो होते रहे उनको हल्का सा पेंसिल से कैंसिल आउट कर, क्योंकि अब वो दूसरों में नहीं आएंगे, तभी तो सबका सम्मान आएगा, ठीक है। चलो अब एक्स को आपकी, आपको एक्स की वैल्यू 4 लाना है, तो पहली रो के सेलेक्ट करो 1.4 यस, उसके अलावा फर्स्ट रो में कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा 1.4, हाँ सेकेंड रो में 2.4, सेकेंड रो में 2.4, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, आपको एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू आपको 4 चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 4 चाहिए, तो आप फर्स्ट रो में से 1.4 सेलेक्ट कर रहे हो, सेकेंड रो में से 2.4 कर रहे हो, देन 3.4 कर रहे हो, फोर्थ रो में फिर 4.1, 4.2, 4 यस यस सही सही कर रहे हैं, मतलब 1.4, 2.4, 3.4, अब फोर्थ रो में से ज़्यादा सेलेक्ट होंगे 4.1, 4.2 एंड 4.3, इन सब के केसेस में एक्स की वैल्यू 4 आएगी। अब बढ़ते जाएंगे केसेस, है ना, 5 और 6 में सबसे ज्यादा रहेंगे शायद, हाँ चलो आ जाओ। तो 5 के केस में पहले में 1.5, दूसरे में 2.5, तीसरे में 3.5, चौथे में 4.5, और 5 के सारे करीब करीब सारे 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4, इन सब में एक्स की वैल्यू 5 आएगी। अब बच गया जो वैसे उसमें है ही सही, बट फिर भी काउंट कर लेते हैं, आ जाओ 1.6, 3.6, 4.6 एंड 5.4। अब 6 वाले 6.1 सारे ही आ जाएंगे, 6.1, 6.2, 6.6 तो है भी नहीं, है ना, 6.3, 6.4, 6.5, दैट्स इट। इन सब में एक्स की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालना है, सिंपल सी बात है। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स की वैल्यू 2 आई, 2 से स्टार्ट हुई थी ना, 2 से स्टार्ट हुई थी, कितने केसेस थे, 2 केसेस थे आउट ऑफ 30, सो 2/30 गिव्स मी 1/15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स की वैल्यू 3 आई थी, कितने केसेस थे, 4 हो गए थे शायद, सो 2/15। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स की वैल्यू 4 आई थी, तो उसमें 2 केसेस हो गए थे, इसमें 4 केसेस हो गए थे, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस हो गए, तो 6/30, 6/30 इज लाइक 1/5। देन प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स की वैल्यू 5, तो इसमें 8 हो गए क्या, क्योंकि 2-2 बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यस 8 हो गए हैं, तो 8/30, 8/30 का मतलब क्या हो जाएगा, 4/15, और लास्ट में एक्स की वैल्यू 6, 10 है पूरे, काउंट कर लिया आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस, बट काउंट कर लेना एक बार, 10/30 की उसमें 1/3, ठीक है। अब आपसे जब भी मीन पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी पूछे, तो आपको सबका अगला काम होगा क्या, टेबल बनाना, ठीक है ना, कितने कॉलम्स होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, एक हेडिंग और एक 7, 7 ही तो होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ये, 5 और 2, 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या था, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टोटल, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटीज बोलो क्या क्या आई है, 1/15, 2/15, 1/15, 2/15, then 3/15, 1/5, 1/5, 4/15,
बाय 5, 4 बाय 15 एंड 1 बाय 3। ठीक है, अगला कॉलम अपने को कर इसी में कर दें या अलग से करें? इसी में कर देते हैं, इनका सम तो बनाना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता, नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ गलती है ही। ठीक है चलो, थर्ड कॉलम विल बी एक्स आई इन टू एफ आई, ओ एफ आई नहीं पी आई, गए एफ आई के जमाने, अब पी आई है ना। ठीक है चलो, सो इट इज 2 बाय 15, 6 बाय 15, तो काट दें तो 6 बाय 15 को काट दें तो, या एक बार नहीं काटे ऐसे रहने दे, चलो एक बार ऐसे रहने देते, 6 बाय 15, देन इट इज 4 बाय 5 एंड इट इज 20 बाय 15, इट इज 6 बाय 3, इसको तो 2 लिख दो सिंपली 2। चलो जी अब इन सबको जोड़ना है, ओके तो जोड़ो 6 बाय 5 काट ही दो, या तो 6 बाय 15 है चलो फिर इसको भी 15 बना दो, तो 4 3 12 होता है ना, 12 बाय 15 कर दो इसको, तो सारे 15 में चले गए ना। चलो तो 6 और 2 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 बाय 15 और 2 साथ में है ना, तो 2 प्लस 2 प्लस 40 बाय 15, राइट, हाँ 15 2 जा 30, 70 बाय 15, 70 बाय 15 गिव्स मी, 5 से काटता हूँ तो 14 बाय 3, आंसर मैच कर लेना। ठीक है, ये है मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू समिशन एक्स आई पी आई। ठीक है समझ गए, तो अच्छा क्वेश्चन था, डेविएशन की तो अभी बात ही नहीं है, वेरियंस होता है वो, वेरियंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस। अच्छा इसमें तो इसने नहीं पूछा कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस चेक करो, इसमें तो फाइंड ए ऑफ एक्स ही पूछा। अगले क्वेश्चन यानी कल के क्वेश्चन में सारे ही चीजें भयानक है, मतलब भयानक को क्या लेंदी है, एक तो क्वेश्चन भी लेंदी थे है ना, और अब वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, तो होगा कुछ नहीं, बस ये जो 3 है ना 5 कॉलम हो जाएंगे, क्या होगा एक्स आई का स्क्वायर होगा और फिर एक्स आई का स्क्वायर को पी एक्स, नहीं अपन दूसरे लॉजिक से करेंगे ना, अपन दूसरे फॉर्मूला से करेंगे, बुक ने भी वही फॉर्मूला दिखा जो आप कह रहे हो ना, डिफरेंस लेने वाला तरीका जो आप कह रहे हो उस तरीके से नहीं करेंगे, अपन एक अल्टरनेट मेथड सीखा था, उसका प्रूफ भी करवाया था मैंने इंट्रोडक्शन में, कल पढ़ के आना उसको, ठीक है ना, एक बार रिवाइज करना, अपन कल स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस उस अल्टरनेट मेथड से करेंगे। ठीक है चलिए, तो कल अपन मॉर्निंग के क्लास में उसको वाइंड अप कर ही देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन कल कर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।